नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक सोनी और आप देख रहे हैं सीरीज एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। भाई आज हम बनाने वाले एक एक्सप्लोजिव जिसका नाम है गन पाउडर, जो कि सबसे फर्स्ट और प्राइमरी ग्रेड एक्सप्लोजिव माना जाता है। एक तरह का विस्फोटक होता है और ये दोस्तों बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको बस तीन चीज़ें चाहिए होती हैं इसे बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि गन पाउडर कैसे बनाते हैं और काफ़ी सिंपल होगा दोस्तों। हाँ, इसका आप कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते जानबूझकर भी, क्योंकि ये जो होगा ये एजुकेशनल ग्रेड का गन पाउडर होगा। तो चलिए दोस्तों गन पाउडर बनाते हैं। दोस्तों गन पाउडर बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो होनी चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि ऑक्सीजन के सोर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों मेरे पास है पोटेशियम नाइट्रेट। अब बात यह है कि पोटेशियम नाइट्रेट या फिर जितने भी कंपोनेंट आप गन पाउडर में मिलाएंगे वो किसी फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कहने का मतलब किसी फिक्स रेशियो में होनी चाहिए कि पोटेशियम नाइट्रेट इतना ग्राम होना चाहिए, सल्फर इतना ग्राम होना चाहिए, चारकोल इतना ग्राम होना चाहिए। तो दोस्तों जो गन पाउडर की रेसिपी है जो कि सदियों से चली आ रही है, ठीक है, जिसे शायद टीपू सुल्तान ने भी इस्तेमाल किया था, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 75 grams ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, यानी 75 grams आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट होना चाहिए अगर आप 100 grams का गन पाउडर का बैच बनाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 75 grams पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे 10 grams सल्फर होना चाहिए। सल्फर जो होगा दोस्तों ये आपको फर्टिलाइजर की दुकान पे मिल जाएगा, जो कि 90% तक सल्फर ही होता है, 10% कुछ और इंप्योरिटीज होती हैं, लेकिन हमारे गन पाउडर के लिए जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए एकदम बढ़िया से काम करता है। हालांकि इसी सल्फर का इस्तेमाल करके मैं अपने रॉकेट्स बनाता हूँ जो कि गन पाउडर वाले होते हैं, और उनकी वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा वो कितने पावरफुल होते हैं। तो 15 grams में मेरे पास चारकोल है। ये चारकोल कोई आम चारकोल नहीं है दोस्तों, ये एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है, और इसे आप किसी भी लकड़ी से बना सकते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वो प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखा दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 15 grams चारकोल, 10 grams सल्फर और 75 grams पोटेशियम नाइट्रेट है। तो चलिए दोस्तों ये सबको मिलाते हैं। सिंपली करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले इन दोनों को मिला लेना है, फिर उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट मिलाना है। वैसे आप चाहे जो मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोस्तों मिलाने के लिए करूँगा क्या, यहाँ पे भाई मेरे पास एक कंटेनर आप देख सकते हो कि अमूल स्प्रे वाला कंटेनर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये अमूल स्प्रे वाला कंटेनर है, इसमें सबको डाल देते हैं, एकदम साफ किया हुआ है, ठीक है मैंने, और उसके बाद सब बंद करके खूब जोर से पूरा मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कंटेनर है, इसमें सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, ये थोड़ा आराम से डालेगा क्योंकि उसके फ्यूम्स जो होते हैं काफ़ी फाइन पाउडर में होने चाहिए दोस्तों। अब पाउडर में करने के लिए क्या करता हूँ, मैं छन्नी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी छन्नी कैसी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं छन्नी से छान लेता हूँ, काफ़ी बारीक छन्नी, ठीक है दोस्तों, जिससे हम चाय वाय मतलब छानते ना उसी वजह से। यहाँ पे मैंने इसी का इस्तेमाल करके कोयला का पाउडर जो है इसे छाना हुआ है, ठीक है, वो कोई आम कोयला नहीं, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने कोयले का पाउडर डाल दिया था, यहाँ पे मैं सल्फर डाल देता हूँ, ठीक है, और सिंपली इसे बंद कर कर अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको मिक्स करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सही लाना इसको। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी, जब आप सल्फर और चारकोल को मिलाएं तो आप उसे तुरंत ना खोलें, क्योंकि जो सल्फर के वेपर्स होते हैं या फिर जो कार्बन के वेपर्स होते हैं काफ़ी थोड़े जहरीले होते हैं, कार्बन वाले नहीं लेकिन सल्फर के वेपर्स थोड़े जहरीले होते हैं, क्योंकि बहुत फाइन पाउडर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ वेपर्स निकल रहे हैं एकदम कोहरे की तरह, ठीक है, वो कोहरा नहीं है। अभी तो थोड़ा दूर होके ही पोटेशियम नाइट्रेट मिलाता है उसके अंदर, 75 grams ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसे दोस्तों काफ़ी जितना अच्छा से मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो गन पाउडर होगा वो एक्टिव होगा। तो चलिए दोस्तों इसे मिलाता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर मेरे पास गन पाउडर जिसको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से मिला लिया है। आप इसी गन पाउडर का इस्तेमाल करके तुरंत के तुरंत एक गन पाउडर पावर्ड रॉकेट बना सकते हो। मैं इसी गन पाउडर का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों और बताऊंगा कैसे आप इसका रॉकेट बना सकते हो। इस पूरे गन पाउडर को बनाने में सिर्फ एक ही चीज़ का जो है खेल है, वो है इसके अंदर का यूज़ किया गया चारकोल। चारकोल लोग समझ नहीं पाते कैसे बनाना है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है काफ़ी मतलब किसी लोगों को पता नहीं रहता ज़्यादा ना, इसीलिए लोग क्या करते हैं तुरंत जो कोयला वाला मिलता है ना उसी का पाउडर बना लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं हमारा गन पाउडर काम नहीं करता। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, इस गन पाउडर को निकालता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कैसा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों गन पाउडर जिसका नाम होता है, इसका दूसरा नाम जो कमर्शियल नाम है ये ब्लैक पाउडर है। ब्लैक पाउडर इसलिए क्योंकि ये काला होता है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास है गन पाउडर, ठीक है, जो कि ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंडिया में बारूद भी कहते हैं, ठीक है, हालांकि ये राख से नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों इसे टेस्ट करते हो, देखते हैं क्या होता है। मैं टेस्ट नहीं करने जा रहा, मैं इसे टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरे पीछे एकदम कोहरा ही कोहरा है, ठीक है, और यहाँ पे वही गन पाउडर जो कि मैंने इसे बनाया, जो अभी भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, इस गन पाउडर को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं, एकदम जो भी बता दो दोस्तों एकदम असली बताता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो एडिटिंग कर देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा गन पाउडर रख दिया, अब देखते हैं अगर एक माचिस की तिली में जल जाती है तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही माचिस की तिली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चलाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वाओ गाइस, वाओ भाई मतलब दोस्तों आपने देखा ना कि मतलब इस कोहरे में मैंने और कोहरा कर दिया, और मैं आप पास ले जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी से छूएगा नहीं तुरंत, ठीक है, ये जो लेयर बनी भाई पोटेशियम कार्बोनेट की होती है, पोटेशियम सल्फेट की होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी गन पाउडर की जो केमिस्ट्री है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर आप इसे एकदम एडवांस लेवल पे पढ़ते हो, कि ये जो गन पाउडर था उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ठीक है, लेकिन इसी गन पाउडर का इस्तेमाल करके दोस्तों मैं बनाऊंगा अगले वीडियो में एक रॉकेट, ठीक है, जिसे आप भी बना सकते हो, काफ़ी आसान होते बनाने और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आपने देखा कि हमने जो गन पाउडर बनाया वो कितना आसानी से आग पकड़ लेता है और काफ़ी देर तक जलता है दोस्तों, अगर आप इसे रात में जलाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि मैं दोस्तों मैं ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है गन पाउडर से, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट हो, ठीक है, गन पाउडर से रिलेटेड, पायरोटेक्निक से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ भाई कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और हाँ वीडियो को जरूर शेयर कर देना व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जहाँ कहीं भी आप शेयर करना चाहते हो।